कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जहां एक तरफ बैठक कर रहा वहीं हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज राशिद अल्वी साहब आए हुए हैं। उनसे बात करेंगे कि सर प्रियंका गांधी के आने से उत्तर प्रदेश में क्या लगता है कि कांग्रेस कितना वर्कअप कर रही है। देखिए, प्रियंका गांधी के आने से, राहुल गांधी की लीडरशिप से न सिर्फ उत्तर प्रदेश, पूरे देश के अंदर आंधी आई हुई है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। 2 महीने का समय अभी उनके पास बाकी है। 2 महीने के बाद देश की सत्ता राहुल गांधी के हाथों में आने वाली है। रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर बहुत ज़्यादा घेरती है बीजेपी, उस पर क्या कहेंगे कि ये किस तरीके से? रॉबर्ट वाड्रा अगर गुनाहगार हैं तो बाहर क्यों है, जेल में क्यों नहीं? 5 साल से क्या कर रही बीजेपी की सरकार? प्रियंका गांधी की राजनीति में आने के बाद वाड्रा गुनाहगार हो गए, उससे पहले वो ठीक थे। देश के लोग समझदार हैं, मोदी जी को गलतफहमी है कि वो इस तरह सीबीआई पीछे लगा के किसी को बदनाम कर सकते हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी का इंतज़ाम कर देंगे। मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो सर, जो सपा और बसपा का गठबंधन हुआ है उसके सबसे ज़्यादा वो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर कहीं किसी से लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई नरेंद्र मोदी और बीजेपी से। इस लड़ाई में जो भी साथ देगा हम उसका साथ लेंगे। तो ये हमारे साथ राशिद अल्वी साहब थे जिन्होंने सीधे से कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है और जो भी बीजेपी की खिलाफत में हमारे साथ आएगा उसका स्वागत करेंगे। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से संतोष कुमार।